समय का पहिया है साहब, चलता ही रहेगा, कभी 2018 तो कभी 2019 बनकर। लेकिन ये समय के पहिए के साथ कुछ यादें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में जगह बना लेती हैं। 2018 की चंद यादें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर इंसान को उम्मीद होती है अपने और पराए के बीच में भेद करने का। 2018 ने भरसक हर प्रयास कर मुझे बताया कि मेरा परिवार मेरे साथ है और हमेशा मेरी खुशी में, मेरे दुख में और हर पल मेरे साथ रहेगा। मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरी सफलताओं के आगे आने वाले रोड़े सिर्फ रोड़े ही रहेंगे, और उनका आशीर्वाद रहा तो हर उस पत्थर को भी मैं नींव में चिन कर एक मजबूत दीवार बना दूंगा। कुछ लोगों ने अंगद के पेड़ की तरह डट कर मेरा साथ दिया, धन्यवाद है उन लोगों को, सैल्यूट है। अगर खुशी की बात की जाए तो मुस्कान लाने वाली मेरी प्यारी है निशा, जिसकी एक मुस्कान पर दुनिया के सारे गम भुलाए जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा है कि 2 वर्ष की इस छोटी सी बालिका ने मेरे दिल को हमेशा प्रसन्नता दी। रही बात मेरे करियर की, तो 2018 में अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनमें आना जाना लगा रहा और उनका संयोग भरसक मुझे मिला। आभारी हूँ मैं उन सभी संचालकों का, निर्देशकों का, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट्स पे मुझे बुलाया और पढ़ाने का अवसर दिया। तमाम विद्यार्थियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने 2018 में मेरे पढ़ाने की कला को सराहाया। यूट्यूब और फेसबुक पर जिन क्लासें लगी, उन क्लासों में आप लोगों की सराहना मिली, उनके लिए भी तहे दिल से मैं आप लोगों का आभारी हूँ। 2018 ने कई ऐसी खुशियाँ दी जिन खुशियों को देखकर ऐसा लगा कि ये खुशियों पर कभी हमारा हक था, लेकिन 2018 में मिलेगी ये संभव नहीं था। फिर से ये वादा है अपने आप से, आने वाला समय 2019 हमारे अनुकूल ही होगा। अगर 2019 ने थोड़ी सी भी गुस्ताखी की और हमसे परे जाने की कोशिश की तो हमारा नाम हेमंत सुतारे साहब, हम उसे अपने पक्ष में बना ही लेंगे। आने वाले 2019 की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।